हालेलुया। जो दिन है वो बड़ा पवित्र है, क्योंकि हम सब आज यीशु का जो देह है और लहू प्रभु भोज उसको खाएंगे पिएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरी देह को खाएगा लहू को पिएगा उसमें क्या होगा? जीवन होगा। तो ये पवित्र दिन है जिसमें हम सब इकट्ठे हैं, ताकि हम प्रभु की रोटी को उसकी देह को खा सकें। तो मैंने ये थर्सडे भी पॉइंट बताया था और आज भी इस पर हम बड़ी बात करेंगे। तो वैसे मैंने पिछले दिनों में एक अनाउंसमेंट की थी कि जब भी हम ये महीने के पहले थर्सडे एंड संडे हम प्रभु भोज देंगे कलीसिया को, तो उसमें आप सब लोग वाइट कपड़े डाल कर आया करो, ये बोला था मैंने, है ना। लेकिन कुछ लोग विश्वास से उस बात को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मेरा विश्वास है आप सब लोग मान चुके हो, परमेश्वर पिता की मर्जी को क्या कर चुके हो, पूरा कर चुके हो। तो आज सच्ची बड़ा ही ब्लेस्ड डे है और पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, ग्रेस छू रही है। आपको कितना छू रही है? आंखें बंद करो और हाथों को उठाओ ऊपर की ओर, और अभी आप लोगों को भी परमेश्वर की ग्रेस वो पावर टच कर रही है, छू रही है आपको। यस, उसकी जिंदा शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी ग्रेस काम कर रही है। कुछ मिनटों तक हाथों को नीचे नहीं रखना आज, चाहे थक भी जाए तब भी अपने हाथों को ऊपर रखो आज। खुदावन्द, हम सब तेरे पवित्र चरणों में तेरे सामने हैं, तेरे सिंहासन के सामने हैं। हम तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरे चुने हुए बच्चे हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ विश्वास से पहुंचे हैं और जितने दूर से देश विदेशों से अलग अलग स्टेट से आज की मीटिंग को देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आप सबके जीवन में काम कर रहे हो, इनकी मन की आंखों को खोल रहे हो, इनका विश्वास बढ़ा रहे हो, इनका मन खुल रहा है, इनके अंदर आपके साथ चलने वाला तेज मन बन चुका है। खुदावंद, हर वो रुकावट चाहे प्रार्थना में हो, बाइबल पढ़ने में हो, आत्मिक जीवन में इनके बनी थी, आज तेरी सामर से टूट जाए यीशु मसीह, टूट जाए यीशु मसीह के नाम। जितने लोग यहाँ खड़े रिसीव करो, क्योंकि ये अब हम सब, मैं आप परमेश्वर के साथ अभी हमारा कनेक्शन है, वो प्रेजेंट है यहाँ पर अपने काम को करने के लिए। वो खुदा प्रेजेंट है यहाँ पर, 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 और वो अपने दास को यूज कर रहा आपके लिए। यस 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 यस, हर रुकावट टूट रही है आपकी, आप बुद्धि में ब्लेस हो रहे हो, आपका परिवार, आपके लोग, आपके घर के मेंबर ब्लेस हो रहे हैं। ये ग्रेस सामर्थ आपके ऊपर आ चुकी है, हर अंधकार की रुकावट आपकी जिंदगियों से आउट हो चुकी है, अंधकार की हर रुकावट आपकी जिंदगियों से आउट हो चुकी है, अंधकार की हर रुकावट आपकी जिंदगियों से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। खुदावन, आज जितने लोग तेरी रोटी और लहू को पिएंगे, निश्चय वो प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में, तेरी इच्छा में बढ़ जाएंगे, तेरी ग्रेस एक एक के ऊपर ठहरे, तेरा हाथ एक एक के ऊपर ठहरे, शैतान की जुक्तियां, रुकावटें, आलस, नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की जुक्ति इनके जीवन में काम ना कर पाए परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है
कि मेरे लोगों को मैंने ठहराया है जगत की ज्योति, उसी तरह परमेश्वर जैसे तेरा वचन है, मैं बिलीव करता हूँ तेरा दास हूँ खुदावंद, निश ये जगत की ज्योति के जैसे चमके यीशु मसीह के नाम, आत्मिक जीवन के द्वारा चमके खुदावंद। इनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो, इनके जो भी रुकावटें बनी थी आज टूट चुकी है, इनकी बरकतें, इनकी चंगाई, इनकी आशीषें इनकी जिंदगी में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके कारोबार पर आ चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। खुदावंद तेरा कलाम कभी बदल नहीं सकता, तेरा वचन कभी नहीं बदल सकता, वो विश्वास करने वालों में पूरा होता है। खुदावंद आज तेरा कलाम, तेरे वर्ड जो मेरे मुंह से बोले जा रहे, उसका फल इनकी जिंदगी में आ चुका है। खुदावंद जितनी ये गवाहियां सुनते हैं, चाहे वीजों की हो, मैरिज की हो, चंगाई की हो, खुदावंद आज जितने लोग लॉन्ग टाइम से अपनी गवाही को लेना चाहते थे, आज खुदा वो गवाही के साथ भागी हो चुके हैं, वो गवाही में भागी हो चुके हैं, इन लोगों की गवाहियां बन चुकी है, तेरी महिमा ये कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, बड़ा वाला और बड़ा वाला बोलो हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके गूंज से, नारे से हिलना चाहिए, उसका दिमाग पजल हो जाना चाहिए, परमेश्वर की सेना को देखकर तुम उसकी तेजस्वी सेना हो, आत्मिक सेना। हालेलुया, आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है आज जितने दिनों तक, आज के दिन तक तुम परमेश्वर के साथ थी, आज के दिन में पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके यीशु मसीह के नाम। आमेन, बैठ जाओ अपने स्थानों में, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम एक एक वचन को, एक एक बात को सुने, समझें और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, सुनो तो देखो मेरी तरफ सारे लोग, बुद्धि एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया, कौन सी चीज? बुद्धि। कल मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब भी और बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था, कल भी मैं अपने लिए। हालेलुया, आप लोगों के भी लगातार प्रेयर करता हूं हर रोज हर टाइम, ताकि आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं आज सुबह भी जब प्रार्थना कर रहा था तब भी परमेश्वर से अपनी बुद्धि के लिए और विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर आप मुझे और बुद्धि दे चुके, और बुद्धि दे चुके, और क्योंकि मैं ना यहाँ पर ना अपनी टीम को डायरेक्शन देता हूँ काम के लिए, जैसे तुम्हारा बैठना कैसे बैठना ये बताया था। लेकिन मैंने आज जब वीडियो देखी तो मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल क्यों जाते हो, जो आपको डायरेक्शन दी थी बैठने की तुमने फिर चेंज कर दी, क्यों ध्यान नहीं दिया। मतलब ये एक बुद्धि की चीज है, क्या हमें सिखाया गया था, मीडिया का काम, कैमरों का काम, क्योंकि ये जो आप करते हो परमेश्वर के लिए, ये एक बड़ी अच्छी चीज करते हो, क्योंकि आप सेवा करते हो, आप परमेश्वर को खुश करते हो, आप परमेश्वर के लिए करते हो। बोलो, जैसे दुनिया में बहुत कुछ यही सोचकर लोग भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, है ना, ऐसा पूरी दुनिया में अलग अलग ईश्वर, अलग अलग भगवान है ना दुनिया में, है या नहीं, कितने हजारों की तादाद में, है ना। तो वो लोग भी अपने ईश्वर को, भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, चाहे उन्हें अच्छे से नहीं पता परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। तुम अपने आप को कहते हो हम उसे जान चुके हैं, हम उसे पहचान चुके हैं, हम असल में समझ गए अब परमेश्वर कौन है,
अब सोचने वाली बात है कि हम अगर जान चुके हैं एक्चुअल में कि परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है, उसने क्यों मुझे चुना, अब मुझे परमेश्वर के साथ क्या करना है, अगर हमें ये पता है और फिर हम ना करें तो फिर मैं क्या कहूँगा, हम अभी जाने नहीं उसे। बोलो, अगर हम कहें हम जान चुके हैं, एक वचन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ बाइबल से, इससे आपको एक समझ आएगी। अभी मैंने वचन स्टार्ट नहीं किया, आज का टॉपिक तो नहीं स्टार्ट किया, लेकिन ये मैं इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि इस बात को ये दर्शाएगा जिस टॉपिक को मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, इसे एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा इस वचन से, आपको इससे अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो ये वचन है दो का, रोमियो 2:17। इधर देखो ध्यान से, मैं हर बार बुद्धि की बात क्यों करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ आए हमें और चाहिए, हमें और बुद्धि चाहिए, और चाहिए। मैं अपनी उदाहरण क्यों देता हूँ कि मैं आज भी अपनी बुद्धि के लगातार परमेश्वर के सामने जाता हूँ। आप जानते हो अगर हमारे पास अच्छी बुद्धि नहीं होगी हम कभी भी परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलेंगे, ये बात याद रखो। आप कभी भी उसका वचन अच्छे से पूरा नहीं करोगे, आप शरीर संसार दुनिया इसको दर्जा दोगे, लेकिन संसार दुनिया चीज़ें आपको बचा नहीं पाएगी, ना आपका पैसा। बोलो, मैं इधर देखता हूँ दुनिया के पास पैसा है, लेकिन उस वक्त उनको लेकर आते हैं जब उनके लिए कोई विकल्प या अब टाइम नहीं है कि इसको बचा पाए। इतने हालात, इतनी खतरनाक बीमारियाँ, इतना प्रॉब्लम में बढ़ जाते लोग और फिर हमारे पास लेकर आते हैं, क्या उनको उनका पैसा बचा पाया या उनकी धार्मिकता बचा पाई जो उसे करते थे। इसीलिए ये सीरियस विषय है हमारे लिए, हम सबके लिए। बोलो हालेलुया, शरीर और आत्मिक जीवन का विषय। जब हम शारीरिक होंगे, आज एक बात पकड़ दो अच्छे से, जब हम शारीरिक होंगे तो कभी भी परमेश्वर के साथ सही चलेंगे नहीं। बोलो, ये दिमाग में रख लेना। और बाइबल में ये लिखा था कि शारीरिक मनुष्य कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। 2:17 में लिखा, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, अतः क्या तू दूसरों को सिखाता और अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी करने का उपदेश देता है चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? तो ये वचन पढ़ाने का मतलब क्या है, सुनो देखो। यहां पर वचन ये कहता है, जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को जान गया हूं, मैं सत्य को जान चुका हूं, मैं परमेश्वर की पहचान कर चुका हूं, पर जो करना है परमेश्वर के साथ उसने जो कहा है फिर वो उसे जाना नहीं, अभी उसने उसे पहचाना नहीं। हालेलुया, परमेश्वर ने के वचन में लिखा था, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा किया, अब तुम दूसरों को भी करो। हालेलुया, अगर हम छोटी छोटी बातों में अपने घर में परिवार में सास बहू या अपने परिवार में माफ नहीं करते, बोलो हमारा दिल क्षमा करने वाला नहीं है, तो हम परमेश्वर को क्या जान चुके, क्या उसके वचन को मानते हैं? देखो, अगर हम लोग इधर बने तो इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन पाने की संसार में। आपको पता है अगर मैं बना रहूंगा तो मेरा भला होगा, मेरे काम हो जाएंगे, इस कारण आप बने हो। लेकिन सबसे पहले स्टेप ये है, आप किसकी मर्जी पूरी करने के लिए बुलाए गए हो? क्योंकि तुम जो चाहते हो, ये कोई छुटकारा, कोई जॉब, चीज़ें, पैसा, चंगाई, ये तो बड़ी छोटी चीज़ें,
बोलो बोलो, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो तब मैं संसारिक था, लेकिन संसारिक होने के बावजूद मैं मेरे अंदर एक दिन भक्ति का मन आ गया। मैं चाहता था सारा कुछ छोड़ दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ईश्वर चाहिए। मैं कभी सोचता था मैं जंगलों में जाऊंगा, भक्ति करूंगा, मुझे संसार पैसा चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसे सोचता था मैं। हालेलुया। लेकिन अगर मैं ऐसा करता भी तब भी मुझे परमेश्वर मिलना, मेरा टाइम खराब हो जाना था, मेरी लाइफ खराब हो जानी थी, क्योंकि मुझे परमेश्वर का नियम नहीं पता था कि कैसे उसने मिलना है। आज हमारे पास इतनी बड़ी ऑप्शन है परमेश्वर को पाने की, इतना बड़ा विषय, उससे मेल करना, उसे समझना, उससे बातें करना, उसका अनुभव करना, वो तुम्हें दर्शन दे, तुम उससे बातें करो, तुम बड़ी बड़ी चीजों को देख पाओ। हमारे पास आज समय है इसको, इतनी कीमती चीज को करने का। हालेलुया। दुनिया करेगी भी, तब भी वो अनुभव नहीं ले पाएंगे, तब भी वो परमेश्वर के दर्शन उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन तुम देख भी पाओगे, उसका अनुभव भी कर पाओगे, दर्शनों को भी देखोगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे साथ होगी। लेकिन आप जानते हो यीशु मसीह ने चेलों को एक ज्ञान दिया, मैं मत्ती से पढ़ाता हूं वो ज्ञान आपको, क्या ज्ञान था, दिल को छूने वाला ज्ञान था। यीशु मसीह ने ऐसे कहा 5:3 मत्ती, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। 8 में लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। तो ये जो यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी, यीशु मसीह ने ये बातें अपने मुंह से सिखाई। हालेलुया। धन्य जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे, नम्र लोग पृथ्वी पर, पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। यहां बहुत सारे वचन लिखे हैं हमारे लिए, उत्तम कीमती वचन। हालेलुया। इन कीमती वचनों की वैल्यू तब होती है जब हम आत्मिक होते हैं, तब इनका असर हमारी जिंदगी पर बड़ा होता है। जब हम शरीर में होते हैं, कितनी भी बड़ी बातें करो, आत्मिक शारीरिक मनुष्य पर उसका इतना असर नहीं होता, आत्मिक मनुष्य पर आत्मिक बातों का असर होता है। इसीलिए मैं आज जब मैं टेस्टमनी सुन रहा था, तो मैं बड़ी सारी टेस्टमनी सुन रहा था, सारी जितनी आई, और मैं इनका टेस्टमनी देने का जो विषय था, ये लोगों के बारे में क्या बता रहे, ये चेक कर रहा था, और साथ साथ लोगों की गवाही क्या था ये मैं भी समझ रहा था। मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था, जब उस गवाही को दिया जा रहा था, तो वो गवाही ये थी कि उसको पूरी बॉडी में एलर्जी होगी, लेकिन विषय ये था कि वो काम करने लगी बाहर, अपने पति भी काम कर रहा, वो भी काम करने लगी, और काम करने की वजह से वो थक जाती थी, और उसके बाद वो प्रेयर नहीं करती थी, उसके बाद जो आत्मिक चीज़ें करनी थी वो नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसको वो हालात आया। ठीक है, हालात तो आया, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों को बताए आया क्यों। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसमें जो पॉइंट था वो मैं समझ रहा था, ना तो इनको पता लग रहा था ना आपको समझ आया था उसमें पॉइंट क्या था। सुनो, देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या काम नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, सारे फिर छोड़ दो काम, आ जाओ सारे चर्च बैठो। अरे काम तो करना है, और परमेश्वर भी ये, हम इधर आए क्यों हैं? आप क्यों कहते प्रेयर करो हमारे कारोबार के लिए, हमारी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए? अरे काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा? और परमेश्वर भी कहता है काम करो।
अच्छा सवाल ये था कि काम करने की वजह से प्रॉब्लम आई, तो काम तो करना है, सबने करना है, तो फिर तो सबको प्रॉब्लम आएगी। ये तो बड़ा अजीब विषय हो गया। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रही मेरी। अरे काम करना है, दुनिया में जाना है। अगर दुनिया में जाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, तो रूहें कैसे बचेगी और घर कैसे चलेगा। अब सवाल है हुआ क्या, यही सीखना है। सबसे पहले मैं आज आपको एक पॉइंट देता हूं, अगर आप चाहते हो कि मेरा काम ज्यादा चले, मेरे कामों में ज्यादा बरकत आए, मेरे बिजनेस में ज्यादा बरकत आए, तो एक पॉइंट सेट कर लो। सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता, वो करना, वो करना। हालेलुया, अपने काम से जाने से पहले परमेश्वर को आगे रखो। परमेश्वर आप मुझे लेकर जा रहे हो, परमेश्वर सारा दिन आप मेरे साथ। प्रैक्टिकल करो, एक ऐसा प्रैक्टिकल करो जिसमें आपने अपने अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना है, परमेश्वर को देना है। ये बात याद रखो, आपने सबसे पहले, और सबसे पहले मीटिंग, सबसे पहले सत्संग, काम नहीं पहले। अगर काम आपकी जिंदगी में पहले हुआ और परमेश्वर बाद में हुआ, तो आए हुए का कुछ नहीं ज्यादा, दुनिया में तुम दूर हो जाओगे। ये बात याद रखो, तुम शरीर में चले जाओगे और फिर तुम्हें समझाना भी बेकार होगा। जब लोग शरीर में होते हैं उन्हें कितना भी समझाओ नहीं आत्मिक बात समझ। अरे जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, पैसे चीजें, वो तेरी बुद्धि से, आपकी बुद्धि से, आपके ज्यादा टाइम देने से इतनी नहीं आएगी वो, जितनी परमेश्वर के पीछे जाने से आएगी। हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ आ रही है। आप जानते हो ना एस्तर, जब उसने रानी बनना था तो बहुत सारी और रानियां जो बननी थी उनके लिए कुछ उपहार, गिफ्ट, सोने की चीजें रखी गई थी, और उन्हें बोला गया था जितनी उठानी है ले सकते हो, इतना तो स्वाभाविक तुम्हारे लिए है, लेकिन जितना तुम्हें चाहिए उतना ले सकते हो, ऐसा ठहराया गया था। लेकिन यह भी ठहराया गया था कि इतना तुम्हारे लिए लिमिटेड है, इससे ऊपर भी ले सकते हो। लेकिन एस्तर ने क्या किया, जितना ठहराया था उससे भी कम लिया उसने, क्योंकि उसने दर्जा किसको दिया, उसने अपना फोकस किस पर दिया, उन चीजों पर नहीं दिया, परमेश्वर पर दिया। इसलिए इतनी और खूबसूरत लड़कियां नहीं चुनी गई रानी बनने के लिए, एस्तर ही चुनी गई, क्योंकि उसका फोकस किसके ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। अगर आज आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर है, आप पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हो, फिर चीजें, पैसा आपके पीछे आएगा। और ये वर्ड में लिखी है बात, ये बात सीख लो। मैं हैरान था, अच्छा लोग सोचेंगे अच्छा काम करने चलेगी इसलिए हालात आ गए। अरे काम तो करना है, लेकिन काम करने के टाइम आपका पहला स्थान किसका होना चाहिए। आप जब काम पर जाते हो, बोलो परमेश्वर ये काम में आप हेल्प कर रहे हो, इसमें बरकत आप दे रहे हो, इस काम को करने की बुद्धि आप दे रहे हो, आप मेरे साथ। ऐसे प्रैक्टिकल करो, उसमें बॉस खुश होगा, बिजनेस अच्छा होगा, आप देखना सब चीजें बेस्ट होंगी फिर। हालेलुया, एक गवाही मैं ये सुन रहा था जिसमें एक पॉइंट था जो आपको सीखने वाला था, और एक गवाही वो थी जिसमें एक बच्ची प्रैक्टिकल की गवाहियां बता रही थी, बड़ा अच्छा, बड़ा समझने वाला विषय था। उसने दूसरों को मैसेज दिया कि मेरी जिंदगी में प्रेयर पिलर का एक इतना जबरदस्त महत्व है, और इस पॉजिटिव शिक्षा का जो खुदा के दास देते हैं, ये प्रैक्टिकल कैसे करना, कैसे खुदा के साथ चलना है। आपको समझ आई, उसमें बताया गया था कि पहले उसकी पति से बनती नहीं थी, क्योंकि हमारी एक टीम मेंबर है, उसकी बहन है वो, तो उसी को यहाँ वो लेकर आई, वो टीम मेंबर बच्ची, उनका तो डिवोर्स होने वाला था, इतनी क्लेश झगड़ा था, ये जाना नहीं चाहती थी वहाँ। लेकिन उस टाइम मैं एक दो बार उससे मिला था, कई सारे पॉइंट मैंने समझाए थे उससे, ठीक है। लेकिन मैंने देखा जैसे ही वो परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल कर रही है, परमेश्वर का राज क्या है, विश्वास क्या है, अंगीकार क्या है, कैसे परमेश्वर के साथ चलना है,
इन बातों पर उसने जब ध्यान दिया, प्रैक्टिकल करना शुरू किया, कितने कितने रिजल्ट, कितनी कितनी टेस्टिमनी वो बता रही थी, कैसे खुदा मेरे साथ काम कर रहा है, मुझे होली स्पिरिट अगुवाई कर रहा है, कैसे उसका दिल परमेश्वर के साथ लगा है। ये एक पॉइंट था आप लोगों के लिए उस गवाही से कि कैसे वो आत्मा में बढ़ रही थी, कैसे उसके अंदर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था, एक अच्छा मन था, जो यहाँ जितने बैठे ना सबका होना चाहिए, हर एक का। और ये अवेलेबल है हर एक के लिए, परमेश्वर का नियम एक समान है। बोलो, अगर मैं प्रेयर करूं मास प्रेयर, चार लोग या दस लोग अगर गवाही दें, तो क्या ये चार दस लोगों के लिए परमेश्वर की वो प्रेयर थी, या किन के लिए थी? बोलो, सबके लिए। और जो सब लोग उसे रिसीव कर रहे थे, कैसे रिसीव कर रहे थे, कैसे उसे पकड़ रहे थे, कैसा फेथ कर रहे थे, ये बड़ा मेन था। ये बाइबल परमेश्वर ने क्यों दिया? ताकि हम अज्ञानता में ना रहें। परमेश्वर का वर्ड क्यों नबियों के द्वारा लिखा गया? ताकि हम अज्ञानता में ना रहें। जब तुम बाइबल के अंदर हीलिंग्स के बारे में देखोगे, लोगों के मन के बारे में, तो परमेश्वर ने दिखाया यहाँ पर अलग अलग लोगों का मन, अलग अलग विश्वास, क्योंकि इसीलिए अलग अलग हीलिंग्स, अलग अलग टाइप के लोग हैं। परमेश्वर ने कुछ कुछ थे तो हजारों लाखों लोग थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर रखा, ताकि हम यहाँ से परमेश्वर पर विश्वास कर सके समझ कर। हालेलुया, बात समझ आई या नहीं आई? तो इन बातों में सारी गवाहियां जितनी भी हुई, उन सब में बड़े सारे पॉइंट थे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पॉइंट बहुत थे, सब में बड़े पॉइंट थे। इन फ्यूचर मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गवाहियों को मैं साथ खड़े होकर दूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर और गवाहियों को, क्योंकि गवाही एक बहुत बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, क्योंकि गवाही से आप की जो डायरेक्शन है, आपका जो फेथ है, वो आपके काम के लिए बनता है। पीछे जो बैठे ना पीछे, इनको क्यों मैं टारगेट कर रहा हूं, पीछे बैठे वाले लोगों को, जब आज मीटिंग होगी, जब मास प्रेयर होगी ना, जैसे मास प्रेयर होगी, जैसे लैंड होगी, ये अपने स्थान पर नहीं होंगे, ये उधर लंगर वाली लैंड में होंगे। कहां पर होंगे? इनको कोई मतलब नहीं है क्या ले हैंड होगी, क्या गवाही होगी, क्योंकि ये अभी वो बातों से पीछे हैं, कई बातों से आगे पीछे हैं। हालेलुया। लेकिन आप बात याद रखना, गवाहियां आपके अंदर एक ऐसे मन को पैदा करेगी जिससे आपकी गवाही बनेगी। अगर आपके अंदर गवाहियां चल रही है तो आपका विश्वास परमेश्वर पर बनेगा। मैं भी मानसा से वापस आया फ्राइडे को, वहां पर कई सारे काम हुए। मैं एक बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए थे संगरूर से, उसने अपनी गवाही दी। उसको ना ये जो कलर होता ना, कलर डाई करते हैं बालों को, है ना, कई लोगों को इससे वो हो जाती है, क्या कहते हैं, एलर्जिक, ठीक है। तो उसको काफी सालों से एलर्जिक हो रही थी, जब वो यीशु मसीह में नहीं थी तब से भी हो रही थी, जब वो यीशु मसीह में आ गई तब भी इसको एलर्जिक हो रही थी। जैसे वो कलर लगाती थी, ये मुंह सूज जाता था, जख्म बन जाते थे, 10-10 इंजेक्शन लगते थे, मेडिसिन महीना महीना खानी पड़ती थी, तब जाकर उसको आराम आता था। बड़ी दुखी थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी कि वो चिट्टे रखे बाल, सारे बाल चिट्टे हो गए। वैसे तो उसके बच्चों को भी शादी होगी, लेकिन फिर भी ठीक थी अभी, उसको लगता था चिट्टे बाल क्या रखने, ठीक है। लेकिन जब उसको मेरी शिक्षा समझ आई, मेरी इन द सेंस परमेश्वर दी, जो परमेश्वर ने सारे संसार के लिए दी है, जो मुझे परमेश्वर ने इसकी समझ दी, इस शिक्षा की, ठीक है, एक पावरफुल शिक्षा जो पूरी दुनिया को जरूरत है, हर चर्च को जरूरत है, हर मिनिस्ट्री को जरूरत है। क्योंकि मैं तो मिलता हूँ लोगों को, किसी भी मिनिस्ट्री के लोग हो, 5 साल 8 साल से मिनिस्ट्रीज में जा रहे, बुरा हाल है। जानते क्यों बुरा हाल है? क्योंकि उनको
परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना नहीं आता, उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है तेल से, कपड़े से, पानी से, मटेरियल से, क्योंकि ये कानून कुछ और था और रीति रिवाज ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, ये प्रैक्टिकल बड़ा तगड़ा विषय है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं जब लोगों को मिलता हूँ तो फिर मुझे समझ आती क्यों ये परेशान है। मैं मानसा में गया, वहाँ पर मैंने पूछा जो 5 साल 7 साल 8 साल से प्रभु में है कितने लोग हैं, और जो हालातों में दुखी है कितने लोग हैं, तो काफ़ी सारे थे। मैंने उनसे पूछा, चलो ठीक है जो भी आपके हालात हैं, अच्छा मुझे ये बताओ यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा, उसका शरीर क्यों तोड़ा गया, उसकी कुर्बानी क्यों हुई, उसके हाथों में कील ठुके, उसका पवित्र लहू बहा गया, उसकी बड़ी खतरनाक तरीके से मौत हुई हमारे लिए, कुर्बानी हुई क्यों। कुछ कुछ लोग बता रहे हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन के लिए, साड़ी चंगाई के लिए। तो मैंने कहा अच्छा आपको पता है, कहते हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा अगर आपको पता है कि यीशु ने आपके लिए काम पूरा किया है तो फिर हालात क्यों है बताओ मुझे, यही तो पता नहीं लोगों। अगर ये आपको पता है कि यीशु ने मेरे लिए काम पूरा किया कुर्बानी का, वो मेरे लिए मरा क्रॉस पर चढ़ा, लेकिन फिर हम हालातों में क्यों, यही तो पता नहीं लोगों। हालेलुया। आप जानते हो उस बहन को जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं, वो मैं जब यहां आई ना, वो 16 साल से प्रभु में थे, 16 साल से कुछ भी नहीं आता था उन्हें, क्या प्रैक्टिकल होता, कैसे विश्वास से बड़ा मन रखते, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसी ने जब मेरी टीचिंग को पकड़ा, हमारी मतलब परमेश्वर की टीचिंग को, तब उसने जब प्रैक्टिकल किया ना, उसने ऐसे प्रैक्टिकल किया कि इतने बड़े काम यहाँ होते, खुदा के दास जो बात कहते हैं यस, ये कुछ भी नहीं। उसने ना इस बार दवाई नहीं ली जब उसको एलर्जी हुई, उसने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। और एक दिन उसने शाम को 2 घंटे लगातार प्रार्थना की बैठ करके, ये हालात मेरे लिए नहीं। रात सोई, अगले दिन उठी, हालात खत्म बिना ट्रीटमेंट। और मेरे लिए ये गवाही काफी इंटरेस्टेड थी। मैं सोचता हूं ऐसे गवाही को सोचता हूं, परमेश्वर कितना ताकतवर है, वो है, वो साथ है, ऐसे सोचता हूं मैं। और कई बातों के लिए, और दानों वरदानों के लिए, और क्योंकि अगर मेरी सोच में ये चल रहा है तो अब मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, उसकी सामर्थ के ऊपर है। अगर मैं ये नहीं, मेरे अंदर गवाही है, ये काम नहीं है मेरे अंदर, तो फिर मैं हालात में क्या करूंगा, मन खराब करूंगा, हालात में मेरे अंदर कई बातें चलेंगी, वो बातें, ये बातें, पता नहीं किसी और मिनिस्ट्री के जाने की बातें, या उससे भी फिर उधर शैतान फिर आपको ना मजा लेगा आपके साथ। क्या लेगा शैतान, क्या लेता है फिर, मजा लेता है ना जब लोग भटकते रहते हैं, जब लोग परमेश्वर के साथ जो करना था वो करके भूल के मनुष्यों के साथ करते रहते हैं, इंसानों के साथ, उस इंसान के पास जाते हैं, शायद उससे बला जाए, होना नहीं उल्टा और काम बिगड़ता जाना है। हालेलुया। ये बातें समझ आई या नहीं आई आपको? तो पहला स्थान किसका, सबसे पहले देखो आज क्या कहते हैं उसको, प्रभु भोज है। पूरे पंजाब से जो जुड़े हुए लोग सबको आना चाहिए, आसपास के जितने स्टेट उनको सबको आना चाहिए प्रभु भोज करने। ये मीटिंग उत्तम है आपके लिए, वाइट कपड़े डालकर। मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, मैं जानता हूं हम अगर समझाते रहेंगे कुछ ना कुछ तो असर होगा। अगर कोई थोड़ा भी ध्यान देगा होगा, थोड़ा भी प्यार करता होगा परमेश्वर को, तब तो उसके ऊपर असर होगा। जैसे ये सेवा करने वाले, जैसे ये मैनेजमेंट करने वाले, मैंने समझाता हूँ कुछ बातें, ये समझते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ये समझते हैं फिर छोड़ देते हैं, उस पर बने नहीं रहते। लेकिन मेरा तो काम है ना समझाना, बोलो। अगर मैंने छोड़ दिया समझाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब बार बार समझाया जाता है फिर क्विट कर जाते हैं सेवा से, हैं, क्योंकि उन्होंने औखा लगता बार बार सुनना। बोलो क्या लगता है लोगों को,
थोड़ा कठिन लगता है उनको बार बार, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है जो समझाया जा रहा है, इसे करना। हालेलुया। कितने लोगों को आज सारे पॉइंट की समझ आई है? आपके लिए जो उत्तम रखा वो आपके लिए है, वो आपके हिस्से का है। क्या आप उसे छोड़ना चाहते हो या पाना चाहते हो? परमेश्वर ने हर एक के हिस्से में जो रखा है उसने लिखकर ये बात की है। क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे मिलना है ये समझना चाहते हो या नहीं? क्योंकि जहां मर्जी चले जाओ, ऐसा नहीं किसी भी चर्च में जाओ और पास्टर जी कहेंगे सो जाओ घर में, मैं हूं कर दूंगा सारा काम दड़ा। कोई है ऐसा माइकल लाल पास्टर कोई है जो ऐसे बोले? अगर कोई बोलेगा ना तो झूठा है, तुम्हें परमेश्वर से भी दूर कर देगा वो। बोलो, एक दिन तुम्हें गहरा हालातों में फंसा देगा ऐसा जन कोई। ये बात याद रख लो, खुदा का काम, खुदा के दास का काम पवित्र और अनुशासन में होता है, एक नियम में होता है। वो अपनी मेहनत में खरा और पूरा होता है। और जो क्लीस हर चर्च में जाओ, हर मिनिस्ट्री में जाओ, आपको बोल रहे रोजे रखो जी, प्रेयर करा करो, इतनी प्रार्थना करो, ये सब तो आपको बोल रहे करने के लिए, बोल रहे या नहीं बोल रहे? हर चर्च में जाओगे तो हर जगह पर आपको सब चीजें बोलेंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन करना क्या है सही में, ये हम आपको बेटर समझाएंगे। हालेलुया। बेटर, बेस्ट, उत्तम तरीके से, जिसमें तुम फंसोगे नहीं शरीर में, दुष्ट की युक्ति में, चमकोगे ज्योति की तरह। हालेलुया। ऊंचा बोलो, ये ऊंचा है, और ऊंचा बोलो। इतना ऐसे हियाब से बोलोगे शदान तुम्हें देखकर ही डर जाए कि ये खुदा के लोग हैं। करो आंखें बंद, आज का मैसेज दें, मांगो बुद्धि समझ को। मांगो बुद्धि समझ जो मैं रोज मांगता हूं, परमेश्वर के सामने रखो कि खुदावंद जो मैं सुनने जा रहा हूं, जो मैं समझने जा रहा हूं, उसके लिए आप मुझे समझ और बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो। मुझे बढ़ना है, तेरी इच्छा में चलना है, क्योंकि पैसा, संसार, दुनिया, ये जीवन नहीं है, जीवन आपके साथ है। खुदा मेरा मन खोल चुके, मुझे समझ से ब्लेस कर चुके। आज जब मैं तेरा वचन सुनूं तो अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना पाए। ये वचन मेरा है, मेरे जीवन में पूरी रीति से बैठ चुका है, मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा चुका है। इस वचन पर मैं आज चल चुका हूं, तेरी इच्छा को पूरा कर चुका हूं। यीशु मसीह के नाम से खुदा ऐसा आप कर चुके हो, यीशु नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। सो आज मैं कई सारे पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने स्टार्ट से आप लोगों को कई सारी बातें बता दी, ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को आज एक बड़ी चीज समझाना चाहता हूं, वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा समझते हो क्या होता है? पंजाबी लोगों को नहीं समझ आएगी, हिंदी लोगों को समझ आ जाएगी। प्रतिज्ञा का मतलब होता है वायदा, जो परमेश्वर हमसे वायदा करता है, प्रॉमिस करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिज्ञा। क्योंकि सबसे पहले आप हमेशा जब भी प्रेम में जाते हो बोलो मेरा मन खुल चुका है, मेरी मन की आंखें खुल चुकी, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रही हो, ठीक है। लेकिन एक गुड न्यूज देता हूं प्रेयर पिलर के बारे में, क्योंकि प्रेयर पिलर एक बड़ा विषय था। जैसे जिनकी ड्यूटी होती है उनको भी प्रेयर करने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, परमेश्वर के सामने जाना चाहिए कि ये हमें काम दिया गया है उत्तम, इसको कैसे करना, परमेश्वर और समझाओ और बताओ, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं
कल मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे तीनों दिन प्रेयर पिलर में आपके साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं ये प्रेयर पिलर्स क्या है। इन तीन दिनों में मैं आपके साथ रहकर, आप घरों में होंगे यहां भी आ सकते हो, पुलपट के ऊपर होगा, मैं यहां होऊंगा, जो लोग आना चाहते हैं 7:30 बजे आकर बैठ सकते हैं, जो लोग दूर हैं अपने दूसरे शहरों में, तो आप लोगों को क्या करना है उसमें जुड़ना है, क्योंकि वो फेसबुक पेज पर है, वो यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया हमने, ठीक है। अगर आपका फेसबुक आईडी नहीं है तो बनाओ, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे लाइक करो, ठीक है। और उसमें हर रोज थर्सडे एंड संडे छोड़कर बाकी 5 दिन हर रोज प्रेयर पिलर स्टार्ट होता है 7:30 बजे। वो एक स्पेशल प्रेयर पिलर है जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाती है प्रार्थना की। वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ है कि कोई मिनिस्ट्री लोगों को प्रैक्टिकल करवा रही है, लोगों की प्रार्थना करनी कैसे ये प्रैक्टिस करवा रही है। हालेलुया। आप जितनी भी प्रेयर्स आती हैं उसमें वो लोग आपसे कुछ नहीं करवाते, वो खुद करते हैं, खुद प्रार्थना करी जाते करी जाते करी जाते। समझते आप लोग? जैसे मान लो आप किसी को देख रहे हो कंप्यूटर चलाना, ठीक है, आप सोचते वाह इतना सॉफ्टवेयर का काम जानता है, अच्छा इतना इसको ये कंप्यूटर चलाना आता, एडिटिंग करनी आती, इतना बाबरे बाबरे आप देख रहे हो, लेकिन वो आपको दिखा रहा है करता काम, लेकिन आपको सिखाया नहीं, तो इसमें मजा है कुछ? बोलो, कोई मजा है? हम आपको सिखा रहे हैं करना, सबसे बड़ा मेन विषय है, हम सिर्फ कर नहीं रहे आपके लिए, आपको करना सिखा रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। ये वर्ल्ड में पहली बार किसी मिनिस्ट्री में ऐसे प्रकाशन हुआ है, इतना बड़ा प्रकाशन कि लोगों को प्रैक्टिस, लोगों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। लेकिन हमारी टीम को भी और बढ़ना पड़ेगा, रहते तो मेरे साथ हैं, लेकिन ये बुद्धि समझ जितनी बढ़ती जाएगी उतना ये भी अच्छा काम करते जाएंगे, क्योंकि इनको भी सेवा मिली, मुझे भी मिली, सबको मिली है। ये कैमरा चला रहे हैं कुछ, मैं जब कैमरा टीम से बात करता हूँ जो भी इनको देखते हैं, तो ये उनकी बात अच्छे से नहीं मानते, ये अपने तरीके से करते काम, अपना तरीका सही नहीं है। बोलो क्या नहीं है? समझना पड़ेगा क्या करना है। अच्छा, एक की ड्यूटी लगाई है, मान लो किसी ने काम करना बताया है, ऐसे काम करना, आपने ये करना है, आपका एरिया ये है, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, मुझे क्या सेवा मिली आज, क्योंकि ये परमेश्वर की उत्तम सेवा है। अगर तुम नहीं करोगे अच्छे से तो एक दिन तुम इससे आउट हो जाओगे, परमेश्वर का काम और बड़े आ जाएंगे। बोलो, क्योंकि खुदा के वचन में ये बातें सारी लिखी हुई है ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए जिस जिस को परमेश्वर ने मौका दिया उसको पूरे दिल से करना है, मैं भी अपनी सेवा को पूरे मन से करता हूँ, ठीक है। तो इन बातों के बाद अभी आपसे मैं आज एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, वो है प्रतिज्ञा। परमेश्वर जो वायदा करता है, क्या वायदा करता है आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं उसकी इच्छा क्या है, उसका वायदा मेरे लिए क्या है, उसने मेरे लिए कौन सा काम पूरा किया है कि वो मेरी जिंदगी में प्रकट हो, अगर आपको ये अच्छे से नहीं पता तो फिर आप आगे पीछे होते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, हालात में रहोगे, मुश्किल में रहोगे, अगर आपको ये अच्छे से नहीं पता तो इसलिए आपको ये बात को समझना बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, उसकी प्रतिज्ञा क्या है, उसका वायदा क्या है। हालेलुया। मैं आपको पुराने नियम से एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, यशाया की बुक से, ठीक है, उसके बाद मैं आज कई सारे वचन पढ़ाऊंगा, लेकिन यशाया की बुक में जाकर मैं इसका 62 का 1 से लेकर
चार तक वचन पढ़ूंगा ये वाला। क्या लिखा यहां पर? ऐसे लिखा, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और ना यरूशलेम के निमित्त मैं चैन लूंगा जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभामान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुक्त ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेपसीबा और तेरी भूमि बियूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। हालेलुया। इस वचन पर आप सारे लोग ध्यान दो, क्या लिखा हुआ यहां पर, ठीक है? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, आप लोगों को एक चीज याद रखना, अगर आप कुछ भी सीखते हो, गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना, दुनिया में कोई भी काम करना सीखते हो या करते हो, तो सबसे पहले आपने ये सीखना है कि उस काम को करते वक्त उस काम के बीच में कोई लॉस, चोट, नुकसान, बड़ा नुकसान ना हो जाए, ये सीखना है ताकि आप सतर्क रहो। जैसे मान लो मशीनें चलती हैं, कितनी वीडियोस आई मशीनों में बंदा फंस गया, मर गया, हाथ फंस गया, हाथ कट गया। इसका मतलब सबसे पहले मशीन को चलाना कैसे करना, क्या करना, उससे कैसे हालात आ सकता है, कैसे फंस सकती, ये सीखना चाहिए ना। बोलो, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए ना, ताकि हम बच सकें और अपना काम अच्छे से कर सकें। ऐसे जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ये समझना जरूरी होता है कहां कहां हमारी गलती है, कहां कहां हम गलत आगे पीछे हैं। बोलो, अगर तुम्हें ये पता नहीं लगा तो ठीक कैसे करोगे? लेकिन जानते, कुछ लोग गुस्सा करते हैं अगर उन्हें समझाओ तो। वो कहते बस ये बातें करो, बरकत की, चीजों की, प्यार की, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें करो। आया डांट समझाना नहीं चंगा लगता, बस नहीं चंगा लगता। क्या नहीं लगता ये? लेकिन उन्हें समझ नहीं, परमेश्वर ही ऐसी बात समझा रहे। हालेलुया। कहां हम आगे पीछे हैं, कहां गलत है, उसको राइट करने में ध्यान दो, सारा कुछ तुम्हारे पीछे होगा। हालेलुया। मैं भी अपने जीवन में यही कर रहा हूं रोज। मैंने भी बड़ा सुधार किया है बहुत सारी बातों में। हालेलुया। लेकिन अगुए होने के नाते कभी कभी डांट, चीजें ये होती है, ये आत्मिक चीजें। ये अगर मैंने किसी को थोड़ा बहुत डांट भी दिया ना, तो 10 मिनट में उससे मैं प्यार से ही रहता हूँ। ऐसा नहीं मुंह फुलाए रहता हूँ, सही नहीं है, इन्होंने चंगा बनाना, ऐसा नहीं हूँ मैं। लेकिन वो आत्मिक डांट होती है कुछ पार्ट के लिए, कुछ टाइम के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो मैंने वचन पढ़ा, ये बड़ा उत्तम था आपके लिए। परमेश्वर ने अपने मन को खोला है हमारे लिए, लेकिन उस समय ये इज़राइल के लिए वचन था, और इज़राइल को परमेश्वर ने सियोन कहा है। सियोन क्या कहा है? वाक्य अलंकार में, ठीक है? लेकिन परमेश्वर यहाँ अपने मन को खोलना है कि मैं तुम्हारे विषय में चुप नहीं रहूंगा और ना ही मैं यरूशलेम के विषय में चैन करूंगा, ठीक है? यहां बड़ी बातें लिखी है तुम्हें दुनिया के ऊपर प्रकट करने के लिए, तुम्हारी धार्मिकता को पूरी तरह से जैसे मशाल जलती ऐसे चमकाने के लिए और दुनिया को दिखाई दे और जाति जाति के लोग, धर्म धर्म के लोग आपकी महिमा को देखें। ये एक टाइम में वचन तो इज़राइल के लिए लिखा गया था, क्योंकि इज़राइली लोग क्या करते थे, उनके पास स्पिरिट नहीं था, होली स्पिरिट नहीं था, वो लोग हमेशा परमेश्वर के वचन से आगे पीछे होते थे, आगे पीछे। कितने लोगों को बात समझ आ रही? क्या आप भी परमेश्वर के वचन से आगे पीछे होना चाहते हो या राइट उस पर चलना चाहते हो? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही?
क्या परमेश्वर के वचन से आगे पीछे होकर चलना चाहते हो या राइट चलना चाहते हो? अगर आप आगे पीछे चलोगे, सही से नहीं चलोगे, आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अगर आप बिल्कुल राइट सही से चलोगे, आपको फिर पता होना चाहिए क्या होना होगा आपके साथ। बोलो क्या होगा? अगर आप राइट चलोगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। बोलो क्या मिलेगा आपको? लाभ। तो आगे पीछे होने से लाभ मिलेगा, तो क्यों आगे पीछे होने? बोलो। जैसे मान लो हम जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, हमें काम करने के पैसे मिलते हैं। कई लोगों को बड़ी अजीब और अजीब ऐसे कह लो गंदी आदत होती है, जिस काम के पैसे लेने उस काम को अच्छे से दिल से टाइम देकर नहीं लोग करते। काम चोर होते हैं कुछ लोग, पैसे भी लेने फिर भी काम चोर होते हैं। जब मालक को पता चलता है वो कुड़कुड़ करता है, करता है या नहीं करता है? जब पता है मैंने ये पैसे लेने हैं, मुझे काम के पैसे मिलने, तो उस काम को पूरा करना चाहिए। ये बात याद रखो आप लोग सारे, ये तुम मसीह हो, तुम चुने हुए लोग हो, कभी लोगों को ये बोलने का मौका नहीं देना हालेलुया, क्योंकि तुम अब शारीरिक नहीं, तुम आत्मिक हो, तुम दुनिया से अलग किए हुए लोग हो, तुम्हारी अब अलग पहचान है। तुम्हें लोग मिले, तुम्हारे काम को देखे, तुम्हारी वफादारी को देखे, तुम्हारे संसारिक बॉस, काम करने वाले मालिक भी हैरान हो जाए और बोले यस ये मसीह है। आप जानते हो जब चेले चुलेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ोगे तो अंद्रियास नतानियल को लेकर आया, ठीक है, और जब लेकर आता तो यीशु मसीह उसे देखकर ही कहता तू इज़राइली है, सच्चा इज़राइली है, तुझमें कपट नहीं है। वाओ, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की उसके मन को देखकर, उसके दिल को देखकर कि तू सचमुच परमेश्वर का वर्ड पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे ही दुनिया वाले हमें जाने, हमारे काम मेहनत को देखकर। हम काम चोर इंसान नहीं है, दुनिया हो सकती लेकिन हम नहीं है। हम खरे वफादार, एक रुपए की भी हेरा फेरी करने वाले नहीं है, सच्चे ईमानदार। अगर आपको किसी के पैसे गलत आ गए वापस कर दो, अगर आपको किसी के लगे कि ये पैसा फालतू आ रहा है दो वापस, तुम्हें हजार गुना खुदा देगा। ऐसे इंसान बनना तुम लोगों को, ऐसे तगड़े स्पिरिचुअल बनना है, तब तुम दर्शन देखोगे, तब तुम परमेश्वर के दर्शन पाओगे, वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे जीवन में वास करेगा, तुम्हारा जीवन एक धार्मिक जीवन होगा, उसकी इच्छा को पूरा करने वाला। हालेलुया। लेकिन ये बातों के बाद यहां जो मैंने वचन पढ़ाया, इस वचन से साफ साफ पता चलता है परमेश्वर की इच्छा बड़ी थी शुरू से ही अपने चुने हुए लोगों के लिए। वो ऊंचा करना चाहता था, ब्लेस करना चाहता था आपके धार्मिक जीवन को, आपके वफादार जीवन को, आपके फाइनेंशियल जीवन को, आपके कारोबार को, आपके परिवार को जबरदस्त वो दुनिया पर प्रकट करना चाहता था। लेकिन ये जो प्रकट करना चाहता है ये उसकी इच्छा है, और लेकिन ये उसकी जो इच्छा है ये एक नियम में, कानून में, आत्मिक कानून में, जिस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी दो तीन वचन आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ आपको। मैं एक वचन पढ़ाता हूँ रोमियो, ठीक है, रोमियो के बीच में जाएंगे आप लोगों के लिए। इन वचनों को नोट करना है और इन्हें अपना हथियार बनाना है, इन वचनों को आपने क्या बनाना है आपने, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से लिखे हुए वचन है, कभी बदलेंगे नहीं, जो खुदा ने कहा वो पूरा होगा। 4:16 में ऐसे लिखा रोमियो, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने वायदा किया है, जो कुछ परमेश्वर ने अपना वर्ड दिया है, कलाम ये कहता है कि वो विश्वास पर आधारित है ताकि वो प्रकट हो जाए। उसका वायदा, उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन में कैसे प्रकट होगी? विश्वास के साथ, जो खुदा ने कहा उसको करके, विश्वास के साथ करके, वो बात, जो वर्ड, जो वादा परमेश्वर ने किया वो आपके लिए क्या होगा? प्रकट होगा। लेकिन मैं आपको इब्रानियों में लेकर जाता हूं, यहां पर मैं आपको इब्रानियों से कुछ वचन पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है, इसे ध्यान देना होगा आपको इन वचनों को।
अगर हम इब्रानियों 10:23 पढ़ें तो ऐसा लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, ऐसे लिखा है। और यहां पर 35 में लिखा है, 10:35 में, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सुनो, देखो, परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर का और कोई काम नहीं। बोलो, परमेश्वर का अपना और कोई बिजनेस, कोई और काम नहीं है जिसमें वो बिजी है। उसको एक ही काम है, वो आपके लिए, लेकिन हम उसके लिए नहीं। प्रॉब्लम ये, हम संसार के लिए, हमारा ध्यान चीजों पर है, संसार पर है। लेकिन अगर हमारा ध्यान जैसे उसका, लेकिन वो अगर हमारे लिए, तो सोचो, आप सोचोगे, अच्छा वो हमारे लिए तो ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, होना चाहिए। लेकिन ये सृष्टि को रचने के बाद, ये सारी सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर ने एक बड़े कार्यों को पूरा किया था, वो था पुत्र का पृथ्वी पर आना, या परमेश्वर पुत्र के रूप में पृथ्वी पर पैदा हो हमारे लिए। जानते क्यों? क्योंकि जो कुछ शैतान ने हमारा छीन लिया था, हक अधिकार सब कुछ जो उसने दूर कर दिया था, हमें परमेश्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया था, हमारा जो परमेश्वर से कनेक्शन था, मिलाप था, रिश्ता था, वो भी उसने तोड़ दिया शैतान ने। और जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा था, ठहराया था, वो भी छीन लिया था, हमें दूर कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस काम को पूरा करके पूरी तरह से ये लागू कर दिया कि आप ले लो। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह में भी चलकर लोगों को कई बार मिलता नहीं। इसके बड़े सारे कारण हैं जो तुम्हें समझने होंगे और अपने आप को और ठीक करना होगा। हमारे लिए इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को और नज़दीक करना, और ठीक करना, और सही करना, और ध्यान देना। यही एक विषय है जिस पर हमने ध्यान देना है। और इसीलिए दूसरों की गवाहियां सुनने क्या है, बड़ी मेन है, ब्लेसिंग की, बरकत की। आज एक बहन गवाही दे रही थी कि उन्हें बड़े सारे बेटी के रिश्ते आ रहे थे, अन्य जातियों के, कोई पुलिस में था, कोई क्या काम करता था। लेकिन रोका तक होने के बावजूद जब हमें पता चला वो मसीह में नहीं, हमने छोड़ दिया। ठीक है, सुनो, देखो, वो उस लेवल में विश्वास कर रहे थे, यहां वो जानते थे कि हमारी बेटिया को कल को वो परमेश्वर से दूर ना कर दे और जिसकी वजह से उसका उद्धार ना खोया जाए, ये अच्छा मन था उसका। बोलो, उन्होंने परमेश्वर के वर्ड को पूरा किया, परमेश्वर के साथ जिंदगी बताना ये उत्तम समझा, शादी करना, रिश्ता करना ये उत्तम नहीं समझा। हालेलुया। उत्तम उनके लिए ये था कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए। उस गवाही से बड़ा मतलब था हमारे लिए, मतलब था या नहीं? बोलो, मतलब था ना हमारे लिए एक जबरदस्त, कि उन्होंने शादी चीजें इनको पहल नहीं दी, उन्होंने पहल दी कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए। क्योंकि अगर हम शरीर से हैं तो हमें ये बात क्लैरिटी में समझ नहीं आएगी, उद्धार स्वर्ग में जाना। तुम यहां पृथ्वी पर पैदा हुए हो, एक दिन तुम दुनिया छोड़ोगे, लेकिन उसके बाद न्याय होगा, स्वर्ग या नर्क। लोगों को शरीर में ये कहानी सी लगेगी, लेकिन मैंने इतना परमेश्वर को प्रैक्टिकल कर लिया है, जो कुछ बाइबल में लिखा, एक शब्द क्या बिंदु तक पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। सीरियस हो जाओ, क्या जाओ, एक बिंदु तक भी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, याद रखो। इसलिए अपना ध्यान बढ़ाओ परमेश्वर के किसी वर्ड को, वचन को, किसी भी बात को। इधर सेवा करना है, परमेश्वर के लिए जीना, जो कुछ आपको कहा गया करना है, एक भी चीज को आप लोगों ने नॉर्मल नहीं लेना, उसे ध्यान देना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब हमने वचन पढ़े प्रतिज्ञाओं के ऊपर, तो यहां पर लिखा था वचन को तोड़ते हो, आप टाइम से नहीं आते, आप
वचन को पूरा नहीं करते, इस बात के लिए आपको एक अंदर ध्यान होना चाहिए, मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, ये करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, आप करवा रहे हो, आप मुझे चला रहे हो। आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे हो, खुदा के सामने अपनी बात को रख रहे हो, तब आपके लिए पॉसिबल होगा, आप आगे बढ़ोगे। अगर आप ढीठ से हो, सुनते हो, बात नहीं मानते, इधर संगति खत्म करेंगे, ले हैंड करने से पहले आप भाग कर लाइन में लगोगे, दौड़ कर लंगर। यीशु मसीह ने कहा, आप जानते हो अभी हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी में लंगर स्टार्ट कर दिया, पहले नहीं होता था, क्रिश्चियनिटी में लंगर नहीं देते थे, बोलो, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग आपको शरीर की रोटी नहीं चाहिए, आत्मिक रोटी चाहिए, तुमको इसी को खाना था। आज भी बड़ी चर्चेस में नहीं होता है, लेकिन अगर अगर ये लागू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं तुम शरीर में चले जाओ। पहले नहीं होता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का फोकस था जीवन की रोटी देना। हालेलुया, जीवन की रोटी मेन था आपके लिए। ये शरीर की रोटी तो आप आपको आप खाओगे अपनी, कोई भी नहीं देगा आपको, तब भी आप खाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने पक्षियों के उदाहरण दी, इनको देखो, इनको रोटी कौन देता है, इनको खाने को कौन देता है, ऐसे कहा या नहीं कहा? मतलब ये लोग इस रोटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर इनके लिए इंतजाम करता है। वो उदाहरण बड़ी जबरदस्त है, इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले परमेश्वर को दर्जा देना है। तो हम मनुष्य, हम परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए, हम पक्षियों से बड़े उत्तम हैं। अगर हम पक्षियों से बड़े उत्तम हैं, तो हमारे जीवन में उत्तम दर्जा भी परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसने आपको बनाया है, आपको शरीर दिया है, आपको सांस दी है, आपको अपना जीवन लेने के बाद उसका दर्जा, उसका पहला स्थान चाहिए। बिजनेस, कारोबार अगर आपकी जिंदगी में पहला स्थान देता है, आप पहले कारोबार चीजें, आप पहले वहां जाते हो, कारोबार की तरफ जाते हो, तो शारीरिक हो आप लोग, क्या हो आप, आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। तो इसीलिए ये बातों को सीखो। परमेश्वर ने क्यों कहा चिंता मत करो? अगर आप चिंता करते हो, आप सोचते हो कैसे होगा कैसे होगा, जैसे वो लड़की 21 दिन रही, प्रैक्टिकल करने लगी, जो मेरे मुंह से वचन आता था, उसने कभी सोचा नहीं था कहां कौन ये मेरे लिए 3.5 लाख का इंतजाम कर देगा। अरे वाह परमेश्वर, कितना महान है खुदावन। कभी आपने ऐसे बैठे बैठे सोचा? जिसने सोना बनाया, हीरे बनाई, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा? सोचो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान चाहिए वो वाला, जो चाहिए, जो चाहिए। हालेलुया। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक वचन और पढ़ाता हूं इब्रानियों से, क्योंकि मुझे इब्रानियों से तुम्हें ना एक उत्तम चीज आपके अंदर डालनी है, वो है अनदेखा विश्वास। क्या चीज? क्योंकि जब हम बाइबल के अंदर, जैसे अभी तो क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा ना, जैसे दुनिया में क्या होता ना, ये जो पूरी दुनिया है वहां पर देखकर दुनिया विश्वास करती है। क्या करती है? देखकर ना, जैसे पत्थर, मूर्ति, तस्वीरें, वो जब तस्वीरों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं, तो अब सोचते हैं ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये कुछ है। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिखता नहीं, हमारे साथ है लेकिन वो दिखता नहीं है। वो कोई पत्थर, मिट्टी, मूर्ति चीज नहीं है, लेकिन वो है। अगर वो है, इस विषय में तुम बढ़ गए, तो यही तुम्हारी असली जीत है, यीशु मसीह के नाम, ये तुम्हारी असली जीत है। क्योंकि जैसे अभी हमारे जो चर्चेस वाले लोग हैं, वो लोगों को क्यों तेल देते हैं, कपड़ा देते हैं, मटेरियल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोगों को विश्वास आए ये इसमें कुछ है, इससे हमारा भला होगा, क्योंकि शरीर में देखेंगे तो उनको कुछ विश्वास बनेगा। लेकिन मुझे शुरू से लोगों को शरीर में नहीं रखना, मुझे शुरू से लोगों को उन रीति रिवाजों से निकाल कर आत्मा से भरना है, आत्मिक बनाना है। अगर तुम्हें ये करना आया, तो तुम जबरदस्त इंसान बनोगे। हालेलुया। अगर तुम्हें ये अनदेखा विश्वास करना आया,
इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं इब्रानियों में, यहां पर क्या लिखा, इब्रानिया 11 की 8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराय देश में परदेशी के समान रहकर इजहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नी वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां इस वचन पर आप ध्यान दो सारे लोग, अच्छा वाला, और अभी मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग सारे, क्योंकि ये वचन बड़ा डीपली है, काफी अच्छे से समझने वाला है, ठीक है। यहां पर जब अब्राहम बुलाया गया तो लिखा आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल पड़ा जिसे वो जानता नहीं था, ना उसे पता था वो जगह क्या है, कैसी है, कहां है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसने माना और चल पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद लिखा वो एक पराए देश में परदेशी होकर रह रहा था, और प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की थी एक ऐसा नगर, एक ऐसा देश देने की, और उसके साथ इजहाक और यकूब, है ना, ऐसे लिखा है, इजहाक और यकूब, ऐसे अब्राहम जो कुछ उसे नजर नहीं आ रहा था लेकिन वो आत्मिक आंखों से देख रहा था। बोलो क्या कर रहा था, ना तो उसको बच्चा हो रहा था लेकिन वायदा था होगा, एक ऐसा नगर, एक ऐसा देश जिसमें दूध और शहद की नदियां बहेगी, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बाइबल में लिखा वो आज्ञा मान रहा था और जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे वो चल पड़ा, रहने लगा, खुश उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो ऐसे लिखा लास्ट में, फिर से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, क्योंकि वह उस स्थिर नी वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था, उसे नजर कुछ नहीं आ रहा था, तंबू में रह रहा था, लेकिन अनदेखे विश्वास के साथ, एक आशा के साथ, खुदा के साथ चल रहा था। आपको अपनी बरकत अभी नजर नहीं आ रही, आपको अपना काम अभी नजर नहीं आ रहा, आपको परमेश्वर नजर नहीं आ रहा। आप जानते हो हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो ना तो आपने यीशु को देखा, ना तो आपने लंगड़े को देखा, लेकिन लिखा है कि लंगड़ा ऐसे चला। अब लिखे हुए को अनदेखा क्या करते हो, विश्वास करते हो, करते हो या नहीं करते हो। अब अब्राहम के बारे में, अब मूसा के बारे में पढ़ते हो, मूसा कैसे मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को लेकर चला, कैसे समुंदर आया, आपने देखा वो समुंदर, बोलो देखा समुंदर, वो 4-5 हज़ार साल पहले की बात है, आपने क्या वो समुंदर देखा था, क्या इसराइलियों को देखा था निकलते दे? नहीं देखा। आपने क्या देखा, बाइबल से पढ़कर उसको अनदेखा क्या किया, विश्वास किया। यही तुम्हारा असल विश्वास है। ये लोप हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, इसको बढ़ाना है और दुनिया को भी इसमें जीतना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हें इस फेथ में बढ़ना है, अनदेखे फेथ में। अभी एक और वचन पढ़ते हैं यहां से, 11:17, विश्वास ही से अब्राहम ने अपने परखे जाने के समय में इजहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे वह मरे हुओं में से जलाएगा, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। सुनो इधर देखो, अब परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, लेकिन पुराने नियम में यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने से पहले परमेश्वर परीक्षाएं लेता था, ठीक है। सुनो इधर देखो ध्यान से, इस बात को सीरियस समझो बात को। अब्राहम ने जब 100 साल बाद बच्चा लिया, परमेश्वर से एक बेटा लिया,
सोचो आप लोग जैसे परमेश्वर के साथ चलते हो, आपको मैं बोलूं इधर सेवा लगी है, ये टाइलें लग रही है, रूम्स बन रहे हैं, ये हॉल बन रहा है, आओ सेवा के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे कभी कभी वो हम देखते हैं ना फिल्मों में, फोन से कोई बात करता है पैसे लेने, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे करके वो कहते सुना नहीं तुम, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, काट देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि वो बात नहीं सुननी। क्या जब परमेश्वर आपको सेवा के लिए बोलता है तुम उसे इग्नोर करना चाहते हो? है बोलो, छोटी सी चीज है, छोटा सा काम है, एक दो दिन काम सेवा के लिए आना, हमसे वो भी नहीं होता, हम वो भी नहीं करना चाहते, बोलो। लेकिन अब्राहम के बारे में मैंने टीचिंग दी थी, अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों कहा था कि अपना ये बेटा उस पहाड़ पर जाकर मेरे लिए बलिदान कर दे, ऐसा क्यों कहा था? पुराने नियम, ये टीचिंग मुझे खुदा ने दी तो मैंने ये प्रचार की, शायद कई लोगों को भूल गई होगी, लेकिन मैं आज रिपीट करना चाहता हूं। कितने लोगों को याद है ये मैंने सिखाया था आप लोगों को कि पूरी क्रिश्चियनिटी में तो इसको परीक्षा परीक्षा बोलते हैं कि अब्राहम से परीक्षा ली, उसको परीक्षा चेक किया, लेकिन मैंने इसका एक प्रकाशन आपको समझाया था पिछले दिनों में, क्या आपको याद है या नहीं याद? कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा करो। पाओ जी गलां चा रहे ना सारे दे, लियाओ इन्हों संघासन बिठाइए उन्होंने, बाइबल च लिखा तुम संघासन से बिठाना, बैठे बैठे लो तो ही। वाह वो मिट्टी देव शेरो ते पूछो बगैरो, हालेलुया, कमाल होगी कमाल। सुनो तो ध्यान दो, मैंने ये कहा था, सिखाया था आप लोगों को, परीक्षा का मतलब होता है टेस्ट। किसी का भी हम टेस्ट इसलिए लेते हैं जब हमें पता नहीं होता ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको कहते हैं टेस्ट लेना। जैसे आर्मी में भर्ती होना, तो उससे पहले भर्ती होने के लिए क्या ये वो आर्मी की जॉब कर पाएगा, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, फिजिकल, दौड़ना, रस्सा टपना, कई चीज़ें होती है ऐसे करके, ठीक है, शलांग लगाना, फिर कुछ रिटर्न की बातें, ताकि जो काम इसको देना ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक टेस्ट। आप जॉब करते हो उसके लिए एक टेस्ट, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो उसके लिए एक टेस्ट, ताकि आपको वो जॉब करनी आती है, आप उसके काबिल हो, उसको बोलते एक टेस्ट, और उसको हिंदी में परीक्षा भी बोलते हैं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने किसकी परीक्षा ली, इसका मतलब उसने इसलिए परीक्षा ली क्योंकि उसको पता नहीं था परमेश्वर को कि अब्राहम मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, मैं चेक करता हूं करेगा या नहीं करेगा। बताओ परमेश्वर को पता था या नहीं पता था? उसको तो पता था कि वो तो मन देखकर चेक कर लेता ना, ये मैं जो उसको बोलूंगा करेगा या नहीं करेगा, उसको पता है। लेकिन अब परमेश्वर को तो पता था ये मैं जो बोलूंगा इसने पक्का कर देना है, तो फिर तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं था, परमेश्वर को तो पता था। फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ना अब्राहम को पूरे इज़राइल के ऊपर एक विश्वास का नमूना खड़ा करना चाहता था, ताकि वो उसके जीवन से सीख कर मेरे साथ खड़े और वफादार बने। आपको समझ आई बात कि नहीं आई? परमेश्वर ने इसलिए कहा था क्योंकि उसके सामने एक बड़ा व्यक्ति था, एक इतना ताकतवर व्यक्ति था जो परमेश्वर की बात को, सोचो तुम्हें सेवा करनी है एक दिन तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें इधर कोई बीज की सेवा लगाई जाए तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन सोचो उसको बेटा मारना था, कुर्बान करना था, आग पर जलाना था, खत्म करना था, जो 100 साल के बाद मिला था, सोच कर देखो। लेकिन परमेश्वर ये बात जानता था कि ये मेरे लिए करेगा, 100% उसको पता था, लेकिन वो दुनिया के लिए प्रकट करना चाहता था ताकि दुनिया भी खरी और वफादार बने। ये वर्ड, ये वचन इसीलिए लिखे गए ताकि तुम इनको सीखकर परमेश्वर के साथ खरे और पूरे बनो, और परमेश्वर के साथ खरे और पूरा बनना ही लाभ है आपके लिए। जो लाभ 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 आप चाहते हो,
इसी में है, इसी में आपके लिए वो सारा लाभ है। जैसे तुम ध्यान दोगे, जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगे, जैसे अपना रिश्ता स्ट्रांग करोगे, आपकी बीमारियां हटने लगेगी, आपके कारोबार में बरकत आने लगेगी। जैसे आप बोना शुरू करोगे, जैसे आप परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू करोगे, ये जरूरत हमको ध्यान देने की। ये इसीलिए परमेश्वर ने उसको कहा था करने के लिए, क्योंकि उसको क्लैरिटी थी कि इसने करना है, और वो किया, उसने किया। बाइबल में भी ये यही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन अब जो अब्राहम था, उसके अंदर एक विश्वास था कि जिसने मुझे बेटा दिया वो उसको मुर्दों में भी क्या कर सकता है। अगर परमेश्वर ने मुझे इसको कुर्बान करने के लिए कहा है तो वो मुझे जिंदा करके भी देगा। इतना बड़ा विश्वास था अब्राहम का, इसीलिए उसे बाइबल के अंदर विश्वास का पिता कहा जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ इन वचनों के बाद, ये बात को पकड़ लो आज कि वो सामर्थ्य ताकतवर जो परमेश्वर है वो क्या बात कर रहा है हमसे। उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वादे हमारे साथ, वो इसलिए हैं, वो बदलेंगे नहीं कभी, वो पूरे होने हैं आपके लिए। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल विश्वास का जीवन जो हम जीते परमेश्वर के साथ, उसके साथ है। तुम्हें क्यों मैंने अभी निमंत्रण दिया है 3 दिन उस प्रेयर में, प्रेयर पिलर्स में, कल परसों नरसों, ठीक है, उसमें मैं शामिल हूंगा। क्योंकि वो प्रेयर 3 दिन की तुम्हें करवानी है, तुम्हें समझनी है क्या प्रेयर करनी, कैसे मन लगाना, कैसे चलना है। क्योंकि हमें आत्मिक उन्नति करनी है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, ये हमारा जीवन है। संसार परमेश्वर से दूर होना ये कोई जीवन नहीं है, ये फिट फिट और झटके खाकर डक्के डोले खाने वाला जीवन है। पूरी दुनिया जिनके पास पैसा है, ये अंबानी को देख लो, उसके बेटे को देख लो, उनके बच्चों को देख लो, मेडिसिन से चलते होंगे वो, इतनी इतनी दवाइयां होंगे, इतने इतने डॉक्टर होंगे, घर में आकर दवाइयां दे, वो किसी भी तरह से जी रहे हैं दवाइयों के ऊपर। पैसा है लेकिन अच्छे से जीवन नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल परमेश्वर के साथ। आपकी जिंदगी पहला दर्जा, पहला स्थान किसके साथ रहनी चाहिए? परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आज, मेरे थोड़ा सा और पॉइंट है जो जल्दी जल्दी मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। कल मैं एक वीडियो डालने वाला हूं सुबह, इस देश के ऊपर कुछ पत्रकारों को उस वीडियो में मैं लेकर आऊंगा सामने। वो वीडियो बड़ी सुननी जरूरी है, क्योंकि ये देश डिक्टेटर की ओर गिर रहा है। अगर इस बार भाजपा 400 सीटें ले गई हेराफेरी करके, तो उसी समय संविधान बदला जाएगा। क्योंकि संविधान को बदलने के लिए 400 सीट उन्हें चाहिए, फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिविटी काम कर रही है, यहां पर बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो जाएगी इस देश में। आपने प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो नेगेटिविटी उनके उनको यूज कर रही है उस पार्टी को, परमेश्वर की ताकत बढ़ी है, आपकी प्रार्थना काम करेगी ताकि वो इतनी सीटें ना ले जाए, जीत भी जाए लेकिन वो इतनी सीटें ना खड़े, कम से जीतें, ताकि वो उनका जो मनसूबा है गलत वो कामयाब ना हो। और आप, क्योंकि एक देश में अगर एक ही पार्टी दुनिया के लिए होगी तो जनता के लिए बड़ा खतरनाक लॉस होगा, क्योंकि तुम अपनी बात फिर कभी भी नहीं रख पाओगे। विपक्ष पार्टी का काम होता है जनता के लिए खड़े होना। एक पार्टी नहीं सुन रही तो दूसरी पार्टी को जिताकर उसको हरवा देना जनता को, इसलिए फिर वो सुधरते रहते हैं आपस में कि अगर अगली बार हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये दूसरे को वोट डाल देंगे। लेकिन यहाँ देश में बड़ा गड़बड़ हो गया है, लोगों की जो वोट है वो तब्दील की जा रही है। ये मैंने थर्सडे भी सिखाया था, कल जो मैंने वीडियो डालनी है सुबह 8 बजे, उसे पूरा सुनना, वो एक जबरदस्त वीडियो होगी आपके लिए। और आपको भी प्रेयर करनी है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम भी इस देश के देशभक्त हैं, हम इस देश को प्यार करते हैं, हम प्रचार अपने खुदा का करते हैं लेकिन इंसानियत के खिलाफ नहीं। हम इंसानियत को हम बचाना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, और ये हमारा हक है। इस देश के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, ठीक है? हालेलुया।
लेकिन अभी 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 इधर देखो, अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर निकला। गुड फ्राइडे और ईस्टर का क्या मैसेज था? एक बड़ा विषय था, यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का जिंदा होना। क्या तुम्हारे अंदर ये बात चल रही है? क्या यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़े? यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए? मैं तुम्हें ना दो वचन पढ़ाना चाहता हूँ, प्रेरितों की बुक। आने वाले थर्सडे और संडे में आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें बहुत सारी बातें, क्योंकि ये आपको बढ़ना है, सीखना है, प्यासे बनना है परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के प्यासे नहीं बनोगे फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, अगर हम नॉर्मल हो गए तो फिर क्या है हमारा रिश्ता? क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना, वो चाहता क्या आपसे, वो सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चार में प्रेरितों की बुक, जब चेले यीशु उन्हें मिलकर जिंदा होकर 40 दिन उनके साथ रहकर स्वर्ग में वापस चला गया, यीशु चेलों को बड़ी चीजें सिखाई, कब पवित्र आत्मा आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, कैसे शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करना, तुमने क्या क्या करना, वो सारा चीजें सीखकर एक तगड़े विषय को करने के लिए रेडी हो गए। 12 चेले, एक तरफ पावरफुल सरकार इज़राइल की, यहूदियों की जो यीशु मसीह के विरोध में थे, जिन्होंने यीशु को क्रॉस पर चढ़ा दिया था, सरकार एक तरफ, 12 चेले कुछ लोग, लेकिन उनके साथ कौन था? बोलो, परमेश्वर था। तुम्हारे साथ कौन है? क्या तुम्हें ये फेथ है? क्या तुम्हें ध्यान है? मेरे साथ वही परमेश्वर जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया था, जिसने जलते हुए भट्टे को ठंडा कर दिया था, जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था, और जिसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया। क्या तुम ऐसे सोचकर चलते हो कि वो ताकत का परमेश्वर मेरे साथ है, जिसने सूरज को रोक दिया, जिसने पहाड़ों को हटा दिया, वो सामर्थ्य ताकतवर परमेश्वर मेरे? क्या आप ऐसे अंगीकार करते हो उस परमेश्वर का, उसे सोचते हो वो कौन ताकतवर है? ये होना चाहिए आपके अंदर, ये दिल आपके अंदर होना चाहिए ऐसे। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दो आप लोग सारे। ठीक चल रहा है लाइव? सुने दे, देखो इधर एक एक पॉइंट पकड़ो। जब चेले एक तरफ सरकार थी और उन्होंने यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया था, सरकार यहूदी लोगों ने, धर्म के लोगों ने, उस बीच में यीशु के गवाह बनना था, लोगों को उद्धार, मोक्ष, जीवन की असल चीज बतानी थी। इस काम के लिए नियुक्त किए गए थे चेले 12, और उन्होंने सारा कुछ आंखों से देखा था यीशु के साथ रहकर, वो गवाह थे यीशु के, वो जिंदा हुआ। इस दुनिया में कभी कोई जिंदा नहीं हुआ सवाए यीशु के। क्या तुम्हें ये मान है, तुम्हें प्राउड है कि हमारा प्रभु मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो खुदा है? क्यों वो मनुष्य बना? क्यों वो क्रॉस पर चढ़ा? वो चाहता तो एक मिनट में दुनिया को सीधा कर सकता था, लेकिन वो कानून का परमेश्वर, वो दया का परमेश्वर है, क्योंकि हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी मौत जो हमारे पुरखाओं से आ गई, वो अगर परमेश्वर एक मिनट में बदल देता सबको, तो फिर इंसाफ और न्याय का कत्ल होना था। इसलिए परमेश्वर ने न्याय और इंसाफ को भी कत्ल नहीं होने दिया, उसकी जगह वो खुद हमारी सजा को अपने ऊपर लेता है। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर एक सीन पढ़ते हैं उस टाइम का, प्रेरितों का, यीशु के चेलों का, 4:5 में ऐसे लिखा, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार, ये प्रेरितों की बुक पंजाबी में रसूलों के कर्तव्य बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, 4:5 में लिखा, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्रीय और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, तब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया, जब चेलों ने एक लंगड़े को चला दिया। ये बात पूछताछ कर रहे हैं। हालेलुया, तुम्हें समझ आ रही? जी उठने का प्रचार कर रहे थे। तुम्हें भी जी उठने का प्रचार करना है, तुम्हें उद्धार का, मोक्ष का प्रचार करना है। हीलिंग, चंगाई तुम्हारे पीछे भागेंगी, पैसा तुम्हारा पीछे आएगा, जब तुम खुदा के लिए जियोगे। हालेलुया, रेडी हो जाओ इस मिनिस्ट्री का दर्शन पूरा करने के लिए। ये मिनिस्ट्री मेरी नहीं है, ये खुदा की, मेरी और आपकी, सबकी है। इसको परमेश्वर ने हम सबको दिया है,
जितनी जिम्मेवारी मेरी आपकी भी है, उतना ध्यान देना, इसके लिए जीना, काम करना, इसमें कौन सी जरूरत क्या करना, यह हम सबका काम है। क्या तुम स्वार्थ में बस चीजों के लिए आते हो? आगे पढ़ते क्या लिखा, तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइल लोग जान लो के यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप जानते हो यीशु के नाम से कोई काम करना, उस समय वो इक्का कर चुके थे, फांसी दे देंगे, लेकिन वो डरे फांसी से, वो डरे मौत से, छोटी सी बात से डर जाते हैं हम लोग। खुदा शक्तिशाली हमारे साथ, सामर्थी परमेश्वर, इतना बड़ा ज्ञान, ताकत की चीजें, और यहां तुम गवाहियां सुनते हो यहां कैसे लोगों की जिंदगी बदलती, कैसे लोगों की बीमारियां जाती, कैसे बड़े बड़े काम। आज आपको हम गवाही देने वाले थे, वो आए नहीं, मौत से बाहर आया था। मौत मतलब लगभग डॉक्टरों ने कहा था जाओ सेवा करो, मुझे आपको देखकर पता भी नहीं चलेगा वो बच जाएगा, लेकिन उसको खुदा ने मौत नहीं आने दी। इतना ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। सुनो तो ध्यान दो, वो लोग उन सरदारों सरकार के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि अगर इस दुर्बल बीमार लंगड़ा जो परेशान था, इस मनुष्य के साथ जो भला हुआ, भला किया गया है परमेश्वर की ओर से, अगर इसके विषय में पूछताछ हो रही तो ये कैसे चंगा हुआ, तो आ जाओ हम बताते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है सुनो, तो तुम और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह के नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रॉस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तो तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। तगड़ा होकर सुसमाचार दिया। इनके अंदर वो फेथ, विश्वास काम कर रहा था। अगर आपके अंदर भी परमेश्वर की सच्चाई, वर्ड, वचन, परमेश्वर का सुसमाचार का विषय आपके अंदर है, तो फिर आप थोड़ी गिर सकते हो, फिर थोड़ी आप आगे पीछे हो सकते हो। ना आपको शैतान हिला सकता है, क्योंकि आपका फेथ राइट है, आप राइट हो, आप स्ट्रांग हो, आप तगड़े हो परमेश्वर के साथ। जब हम कमजोर हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान, सच्चाई, बात, परमेश्वर की ताकत, ताकतवर परमेश्वर अच्छे से बैठा नहीं हो, तभी हम कमजोर होते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? आर यू रेडी प्रैक्टिकल जीवन करने के लिए? रेडी खुदा के साथ जीने के लिए? रेडी तो वो खुदा तुम्हें ऊंचा और चमकाने के लिए फिर तैयार है। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। उसने तुम्हें चुना ही इसीलिए ताकि तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे, वो गवाही बनाए, तुम्हारे जीवन को बदले। उसने कहा मैं नीचों और तुच्छों को जो है ही नहीं उन्हें चुन लिया, ताकि जो दुनिया में अपने आप को कुछ कहते हैं उन्हें दिखाऊं कि मैंने देख जिन्हें चुना अब ये क्या है। इसलिए तुम्हें चुना ताकि दुनिया को यह समझ आए तुम क्या थे, तुम कैसे थे, क्या तुम्हारी दुर्दशा थी, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम थी। मैं दुनिया को प्रकट करके दिखाऊं मैं वो खुदा हूं इस सृष्टि का जिसने दुनिया रची है और यह मैंने किया है, और दुनिया को मेरी समझ आए, और इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अगर तुम चलोगे तो दुनिया को पता चलेगा, अगर तुम चलोगे नहीं परमेश्वर के साथ तो कैसे दुनिया को पता चलेगा वो जिंदा खुदा कौन है। तुम्हें इसके लिए बढ़ना होगा, तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिकल करना होगा, अपना मन बनाना होगा। अगर तुम्हारा मन नहीं बनता, तुम टाइम से नहीं आते, तुम आगे पीछे चलते, वर्ड पूरा नहीं करते, इसके लिए एक प्रैक्टिकल करो, ऐसे वाला प्रैक्टिकल, परमेश्वर मैं चल चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी, मेरा रिश्ता बढ़ चुका, मतलब जो बातें नहीं हो रही परमेश्वर के साथ जो हम सुन रहे उन्हें करने के लिए एक प्रैक्टिकल खुदा के साथ करो। ये वर्ल्ड की पहली मिनिस्ट्री और पहली
मिनिस्ट्री है जिसमें ये एक पॉजिटिव शिक्षा को दुनिया के ऊपर प्रचार किया जाता है, इतना ज्यादा नहीं होता ये बातें। हालेलुया, तुम्हारा इतना जबरदस्त फोकस बनवा रहा हूं मैं परमेश्वर के साथ, इन वचनों के साथ तुम्हें समझाकर। सुनो इधर देखो, अभी मैं आने वाले थर्सडे और संडे प्रेरितों की बुक से यीशु के जी उठने की सामर्थ कैसे काम करती, कैसे उसका प्रचार हुआ, इन बातों पर तुम्हारा और फोकस बनाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें ये जी उठने का विषय तुम्हारे अंदर जबरदस्त रीति से बैठा रहे। हालेलुया। और लास्ट में एक चीज, मुझे ना एक बात समझ आई, किसी ने मेरी ना चुगली मारी मेरी, ठीक है, उनको जलन थी मुझसे, मेरे जीवन से। मैं इसलिए ये बात आपको सिखाऊंगा, शायद तुम्हें पता नहीं है, एक जो मैन ऑफ गॉड होता है। हाय, आई एम दीपक चाहर, बिनोमो ट्रेडिंग बडी। ट्रेडिंग गिव्स एड्रेनलिन, सेल्फ चैलेंज एंड कॉलिंग से आया हूं। जैसे प्रेरित पॉल आया था ना, ऐसे मैं आया हूं, ठीक है। तुम्हें शायद पता नहीं, नहीं तो पूछ लो जो मुझे जानते हैं, कि मैं एक, मेरा अच्छा बिजनेस था, मोटे पैसे कमाता था मैं, पूछ लो, कई लोगों से बात कर लेना, चलो इनसे पूछ लो। हाँ, इस ये मुझे तब जानती जब मैं मसीह में चलता था, मैं मसीह में चलता था, माइक दो से, मेरा बिजनेस कारोबार बहुत अच्छा था, यानी सल्यूट है आपकी मेहनत को अपोस्टल जी, मैं दिल से आपका रोम रोम से आपको सल्यूट करती हूँ, सच मुझे इतनी मेहनत में करना चाहती हूँ। हाँ, सुनो, लेकिन उतने कर नहीं पाती। करोगी, तुम भी करोगे, सारे करेंगे। सुनो, मेरा एक अच्छा बिजनेस था, मैं जब सेवा करता था ना, तब मेरे पास एक शेवरलेट की गाड़ी थी, न्यू। उस टाइम में इतनी अच्छी गाड़ी लोगों के पास नहीं होती थी जितनी मेरे पास थी, अच्छी, काफ़ी महंगी गाड़ी थी। और तब मैं कोई ऐसे पास्टर नहीं था, बीज इकट्ठा नहीं करता था, ना ही मैं खर्चता था अपने लिए, लेकिन अपने बिजनेस के साथ साथ सेवा करता था मैं जी। कई गाड़ियाँ ली, कई मैंने बदली अपने कारोबार में जी। लेकिन ये बात याद रखो, कभी भी शैतान की जो नीच सोच खुदा के दास के प्रति डाले शैतान, ये ऐसे रहते हैं, सब कुछ इनके पास है, सब कुछ परमेश्वर का ही खाते हैं, ये चीज़ें ऐसे, लेकिन याद रखो, खुदा ने उसको इसीलिए खड़ा किया है ताकि खुदा उसे यूज़ करे। yes. हालेलुया, हालेलुया। उसने सब कुछ छुड़ाया था, काम बिजनेस, ताकि मैं खुदा का रात दिन काम करूं। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, बिजनेस से भी ज्यादा मेहनत का काम है ये, बिजनेस से भी ज्यादा, सच्ची, ये नॉर्मल नहीं होता। इसीलिए कभी भी शरीर में कोई तुम्हें मिले ऐसा नीच सोच वाला, उसकी सुनना नहीं, क्योंकि इनसे होना कुछ नहीं है, बस जीवन बिगड़ने, लोगों के आगे बढ़ना है तुम्हें। क्या करना है तुम्हें? आगे बढ़ना है तुम्हें। आज ये पॉइंट मैं क्यों तुम्हें सिखा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा फोकस खुदा पर चाहिए। हालेलुया। तुम्हें जीना किसके लिए? ये सारी शिक्षा आज जो मैंने तुम्हें दी आत्मा के द्वारा, इसे दो बार सुनना है, तीन बार सुनना है। मैंने एक आदमी से बात की, वो कहता, खुदा के दास जी, आप कहते हो ना दो बार सुनना, तीन बार सुनना, मैं उतनी बार वीरवार संडे की मीटिंग सुनता हूं, छोड़ता तक नहीं हूं। ऐसे लोग एक दिन सूरज की तरह चमकेंगे यीशु मसीह के नाम। क्यों सुनना है इसको? क्योंकि भूल ना जाए क्या हमने सुना था, क्या हमने सीखा था, वो हमारे अंदर चलना चाहिए, चलना चाहिए। और यही आपके लिए जीवन है, इसी के साथ आपकी सारी बरकतें, आपकी बरकतें सारी इसमें है जो मैं सिखा रहा हूं, इसको करने में, इसको ध्यान देने में, प्रैक्टिकल करने में, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने में। मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी में काम कर चुका है। तुम्हें गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे, झूठे, कुछ यहां से क्विट किए, शैतान के तोड़े हुए लोग यहां से। बोलो, क्या कोई आत्मिक जन इधर से टूट सकता है? आप बताओ मुझे, कौन टूटता है?
जो शरीर में होगा, जिसकी बुद्धि शैतान आगे पीछे कर देगा। कभी भी आत्मिक जन नहीं टूट सकता। जिसने वर्ड को पकड़ा होगा, जिसने परमेश्वर की इच्छा को जहां से पकड़ा होगा, वो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन जो शारीरिक टूटा होगा ना, वो दूसरों का भी मन क्या करेगा? झूठ मूठ बातें शैतान उसके अंदर डालेगा, झूठी बातें तुम्हें गुमराह करने के लिए। इसीलिए ये पॉइंट मैं हमेशा तुम्हें सिखाता हूं, ताकि तुम भटक कर अपने कहीं परमेश्वर से भी दूर ना हो जाओ। क्योंकि मैंने देखा है, जो लोग टूटे ना, थोड़े टाइम के लिए बने रहे इतने हालातों में गए कि शर्म के मारे इधर भी नहीं वापस आए, इतने हालातों में फंस गए। क्योंकि काम गलत करने लगे, विश्वास गलत करने लगे, चीजें गलत करने लगे, फंस गए वो लोग। लेकिन तुम्हें बनना है, राइट शिक्षा में बढ़ना है आगे। मेरा विश्वास है आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में फल ला चुका है। सुनो, ये देखो, अभी वचन मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन अभी मैं दो या तीन गवाहियां देने वाला हूं अभी थोड़े टाइम के बाद। लेकिन वो गवाहियां जब मैं दूंगा, उससे पहले हमने अपना 20 बोना है, अपना 10वां हिस्सा या उससे भी ऊपर, कुछ लोग बोते हैं उससे भी ऊपर, ठीक है, बढ़कर दशमांश से भी ऊपर। क्योंकि इधर देखो, आप इस चीज पर ध्यान दो, ऑनलाइन और जितने लोग हैं आज, ये जो तुम बोते हो 20 दशमांश, ये जो आपका पैसा है, ये गुड न्यूज में परमेश्वर के काम में लगता है, रूहों को बचाने के काम में लगता है। आपने आज तक जितना भी बोया है इस मिनिस्ट्री में, वो लग रहा है, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, उतना तुमने बोया नहीं होगा जितना यहां नजर आ रहा है। तो ये तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारा बोया पैसा, चीजें पूरी तरह से परमेश्वर के काम में यूज हुई है, ठीक है? तो अभी यहां इसको हमने बहुत अच्छे से बनाना है भवन को। अभी हमने पीछे एक एकड़ जमीन ली है इसके पीछे, ठीक है। अभी थोड़े दिनों के बाद ये जब कटनी हो जाती है, इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। इधर हम अपना प्रेयर पिलर का बड़ा अच्छा स्थान बनाएंगे, और उसमें आप लोगों को भी मौका मिला करेगा प्रे करने का। वो बड़ा अच्छा बनाएंगे, जबरदस्त रीति से स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए जो आप बोते हो, इन्हीं कामों में आपका पैसा लगता है। अभी हमने पटियाला में समाना वहां भी जगह ले ली है, मतलब मूल तो नहीं ली, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके एक ही बार पैसा देकर जगह ली है। उसमें हमारी ब्रांच खुलने वाली है अभी इस संडे के बाद। आने वाले संडे मानसा ब्रांच स्टार्ट है, उसके बाद जलालाबाद हमारी ब्रांच खुलने वाली है फाजिलका के पास। और जलालाबाद और पटियाला, दो बड़े क्रूसेड करके हम ब्रांच खोलने वाले हैं, दो बड़े क्रूसेड। तो ये जो आप बोते हो, हम सारा पैसा खर्च करते हैं रूह बचाने के लिए। तुम अपना कुछ पार्ट कमाई का किसी की जान, किसी की रूह बचाने के लिए डालते हो, ये बड़ा उत्तम है, ये बड़ा उत्तम विषय है। हालेलुया। मेरा एक बिजनेस खुलना है आने वाले दिनों में। मेरा एक शौक था कि मेरा एक रेस्टोरेंट हो, बहुत सालों से परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोल रहा है। जो कुछ मैं कमाऊंगा उसका 50% परमेश्वर के भवन में डालूंगा, 50% उसका आपके सामने डेटा से दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो अभी हम अपना सीड बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। आप सब अपने हाथों को उठाओ, अपने 20 को अपने हाथों में पकड़ो। ब्रांचेस तो कादियां भी खुलने वाली है, ये मैं बोल ही गया। कादियां तो हम अपनी जगह लेकर खोल देंगे, ऐसा रास्ता खुल रहा है हमारे लिए। हालेलुया।